आर्यन इंटरनेशनल स्कूल भरवाई में बच्चों के नियमित तौर से आने से स्कूल में रौनक फिर वापस आ गई है। शनिवार को स्कूल के तकरीबन 100% बच्चे उपस्थित रहे। सरकार के आदेशों के बाद 17 तारीख से पहली से आठवीं तक के बच्चों के लिए स्कूल खोल दिए गए हैं, जिसके बाद स्कूल के बच्चे रूटीन में स्कूल पहुंच रहे हैं। स्कूल के बच्चे भी स्कूल में आने को लेकर काफी खुश दिख रहे हैं। बच्चों के स्कूल में एंट्री से पहले सरकार के कोविड को लेकर दिए गए आदेशों का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। बच्चों को कक्षाओं में प्रवेश करने से पहले हाथ सैनिटाइज करवाए जा रहे हैं। बच्चों को बुखार चेक किया जा रहा है और बिना मास्क के किसी भी स्कूली बच्चे को क्लास में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। शनिवार को आर्यन स्कूल में 8वीं, 9वीं, 10वीं कक्षा के छात्रों की 100% उपस्थिति रही, जबकि छोटी कक्षाओं के बच्चे भी स्कूल में काफी संख्या में उपस्थित थे। हालांकि बच्चों की परीक्षाएं भी शुरू हो चुकी हैं। स्कूल ITI के प्रधानाचार्य विनय शर्मा व स्कूल प्रधानाचार्य अंकुश शर्मा ने बताया कि स्कूलों को खोलने को लेकर बच्चों के अभिभावक भी काफी खुश हैं, क्योंकि बच्चों के स्कूल आने से उनकी पढ़ाई की रूटीन भी बनी रहती है और उन्होंने सभी बच्चों को कक्षाओं में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बिठाया जा रहा है। आर्यन इंटरनेशनल स्कूल भरवाई, जैसे कि सरकार के द्वारा बताए गए दिशा निर्देशों के अनुसार बहुत ही लंबे समय के बाद 17 तारीख से स्कूल जो हैं वो पूर्ण रूप से ओपन कर दिए गए हैं और आर्यन इंटरनेशनल स्कूल में फर्स्ट डे से ही 80% विद्यार्थी जो थे वो उपस्थित रहे और विद्यार्थी प्रॉपर मास्क पहनकर और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कक्षा में उनको बिठाया गया और बहुत लंबे समय के बाद ये रौनक जो है वो वापस आई है। धन्यवाद। आई एम अंकुश शर्मा, आर्यन इंटरनेशनल स्कूल भरवाई। अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन ऑफ HP गवर्नमेंट, स्कूल में बहुत दिनों बाद, बहुत समय बाद रौनक वापस लौट के आई है। 17 तारीख को सरकार द्वारा निर्देश दिए गए थे स्कूल ओपन करने के। 17 तारीख से ही, पहले दिन से ही आर्यन इंटरनेशनल स्कूल में 80% बच्चों ने अपनी उपस्थिति जाहिर की। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया गया, जो गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल्स थे उनको पूरा फॉलो किया गया। क्लासेस प्रॉपर वे में चल रही हैं, व्यवस्थित तौर पे स्कूल विद्यालय चल रहा है। इससे हम लोग गवर्नमेंट को धन्यवाद देना चाहेंगे और स्कूल प्रॉपर वे में चल रहा है। थैंक यू, धन्यवाद। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए चिंतपूर्णी से ब्यूरो रिपोर्ट।